गाइस कैसे हो आप लोग। हम फिर वापस आ गए आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों हे व्हाट्सअप गाइस कैसे हो आप लोग। हम फिर वापस आ गए आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में आप आगे देखेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर महमूद कसूरी ने एक बयान दिया है। हालांकि पिछले 6-7 महीने से या बोलना सही होगा 2014 से ऐसे कुछ वो बयान देते आ रहे हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो इलेक्शन होगा बंगाल में उसे जीतने के लिए मोदी पाकिस्तान के साथ वॉर शुरू कर सकता है। ऐसा कुछ इनका बयान है। पहले इनका बयान सुनते हैं फिर इस वीडियो के बारे में करते हैं बात। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करें। बहुत लंबी बात हो सकती है और मैं घंटों आपको उसको सुन सकती हूँ क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस है और आपने खुद प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को अप्रोच भी किया है। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ क्या आपको, क्योंकि मुख्तलिफ जराइद जो हैं वो ये खबरें और आर्टिकल्स इस तरह के मुझे पढ़ने को मिले कि इंडिया जो है वो एक मरतबा फिर पाकिस्तान दुश्मनी में कोई ना कोई मैं इसको शरारत नहीं बाकायदा दहशतगर्दी की प्लानिंग हो रही है और इंडिया ये उस और रॉ जो है मुसाद और दीगर लोग मिलके इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक अगर ऐसा होता है रिटेलिएशन तो जाहिर हम करेंगे और दिफा तो हम अपना मजबूत रखते ही हैं, लेकिन इसका नुकसान आप क्या देखते हैं अगर ऐसा होता है? क्योंकि ये शवाहिद तो मौजूद हैं, मैंने जैसे कहा कि लोग लिख रहे हैं तज्जिया दे रहे हैं कि इंडिया इससे बाज आने वाला नहीं है क्योंकि उसकी मजबूती में इसराइल और अमरीका उसके साथी हैं। क्या देख रहे हैं, कुछ है कुछ इस तरह का मामला हो सकता है मुस्तकबिल में? जी अमरीका का इसमें रोल कम है, इसमें रोल यह है कि बीजेपी की अंदरूनी सियासत जो है, अभी उन्होंने बिहार में इलेक्शन लड़ा, उसका क्या वास्ता था कश्मीर से या पाकिस्तान से? हर जगह पे वो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया यही सब। अभी उन्होंने जो एक बिल्कुल बेहुदा किस्म का बयान दे दिया कि जनाब हमने चार जो है न्यूट्रलाइज करे हैं लश्कर तैयबा के बंदे, क्यों दिया जब पाकिस्तान ने डॉसियर दिया? अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने डॉसियर दिया उसकी इतनी वक्त थी कि चाइना ने कहा कि हम पाकिस्तान ने बड़ी सेक्रीफाइसेस की हैं इस इलाके में अमन लाने के लिए और अगर सी पैक को खतरा होगा तो हम वो खतरा जो है उसका लैंग्वेज ये था कि हम चुप नहीं रहेंगे। अब पॉइंट ये है, आप मुझसे पूछ रहे मोदी साहब बिल्कुल ये केपेबल है क्योंकि उनका मकसद उनको पता है लंबी जंग तो होनी नहीं, दोनों न्यूक्लियर पावर है, उन्होंने तो वोट लेने हैं, अगला इलेक्शन बंगाल में हो रहा है, उन्होंने ये देखना है कि क्या मैं ममता बनर्जी को निकाल सकता हूं या नहीं। उनके तो बड़े और किस्म के इश्यूज हैं, ममता बनर्जी उनके हड्डी उसकी तरह गली की हड्डी बन गया, बिल्कुल ठीक है, उसको निकालना चाहते हैं तो वो ये मुमकिन है। लेकिन दूसरा फैक्टर भी क्लियर है, पाकिस्तान ने 24 घंटे में जवाब दिया था, अगर उन्हें कोई गलती की तो जवाब फौरन आएगा। बिल्कुल ठीक है कसूरी साहब, अगर कोई गलती की तो जवाब फौरी आएगा और जैसे कह रहे हैं कसूरी साहब के नरेंद्र मोदी के गले की हड्डी इस वक्त ममता बनर्जी बन चुकी हैं। गले की हड्डी तो कसूरी साहब यह है कि दिल्ली के अंदर एक कराची स्वीट्स के नाम से मिठाई खुल गई तो वहां शिवसेना पहुंच गया, आप जब किताब की लॉन्चिंग के लिए पहुंचे थे वहां उन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर काली स्याहियां फेंक दी थी, तो ये हिंदुस्तान की तारीख तो ऐसे ही है। वेल थैंक यू वेरी मच साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमसे बात कर रहे थे, विच इज वेरी मच क्लियर के लिए ये कि मामला अब हुआ तो तब हुआ लेकिन ये एक मर्तबा फिर खटाई की नजर हो गया। आज हमें वक्त दिया है साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने, जरा उनसे बात करते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। खुर्शीद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। कसूरी साहब जाहिर है हम जब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर बात करते हैं तो डिबेट बहुत ही ओपन रहती है, मैं जरा वन बाय वन चलना चाहूंगी। क्या पहला नुक्ता जरा आप ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान अपने सफारती महाज पर पूरी तरह से एक्सरसाइज कर रहा है और कितना फ्रूटफुल एक्सरसाइज है ये? देखिए जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त ये एतराज किया जाता है और ये एक नहीं तमाम ऑपोजिशन पार्टी हुकूमतें वक्त पे करती हैं जी, ये बेहतर तरीके से हैंडल होना चाहिए। दो तीन चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक एतराज ये किया जाता है कि जी कश्मीर का मुकदमा तो बड़ा मजबूत है लेकिन पाकिस्तान वकील अच्छा नहीं, ये बड़ी हैरानगी की बात है ये कहना, क्योंकि जब पाकिस्तान बना है उस वक्त जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे सर जफरुल्ला खान वो बहुत दलाइल देते थे नए आजाद होने वाले ममालिक की वजह और पाकिस्तान की वजह से उस वक्त अल्जीरिया मोरक्को ट्यूनिसिया ये तीनों मुस्लिम ममालिक जो थे जी सर इनकी जंग पाकिस्तान के
नुमाइंदों ने लड़ी थी, सर जफरुल्लाह लड़ी थी, हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने लड़ी थी, और जब मैं वजीर खारजा था, जब मैं इन ममालिक का दौरा करता था, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिना, जफरुल्लाह खान और बुखारी साहब जो उस वक्त पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, इनके नाम पे वहां सड़कें रखी गई थी इन ममालिक में। फिर जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, नटवर सिंह ने एक मजमून लिखा जो भारत के वजीर खारजा रहे हैं, जी सर, इसमें उन्होंने ये कहा कि बड़ी हैरानी की बात है कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान हमसे छोटा मुल्क है, ये उनके अल्फाज है, और हमारे पास जराए भी बहुत ज्यादा थे, इन्होंने सफारती महाज पर कश्मीर के मामले को जिंदा रखा। तीसरी बात, दुनिया का कोई मसला देख ले, फलस्तीन देख ले, कोई और देख ले, पहली बात तो क्लियर है कि जहां तक पांचों परमानेंट रिप्रेजेंट परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के इकट्ठे ना हो तो मसला हल नहीं हो सकता। ये एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है सिक्योरिटी काउंसिल के जो उसका मेकअप है उसमें, ठीक। और दूसरी बात उसमें ये आएगी कि सिक्योरिटी काउंसिल अनफॉर्चुनेटली इसीलिए जो हालांकि ख्याल किया गया था जब लीग ऑफ नेशंस फेल हुई है तो सिक्योरिटी काउंसिल उससे सबक सीखेगी, यूनाइटेड नेशंस वो नहीं हुआ, क्योंकि मकसद जनरल असेंबली को ताकत देना था, जो सारी ताकत इन्होंने पांच मुल्कों ने दे दी। तो जब पाकिस्तान को जज किया जाता है वो ये चीजें भुला दी जाती हैं। और फिर क्या भुट्टो साहब जो अच्छे वकील नहीं थे, मैंने जफरुल्लाह साहब की बात की, भुट्टो साहब अच्छे नहीं थे क्या? आगा शाही साहब अच्छे नहीं थे क्या? साहबजादा याकूब अच्छे नहीं थे? मेरा मेरी बात छोड़े तो क्या ये सारे जो वकील थे ये फेल हो गए थे? दुनिया में तो इनको बहुत इनकी माना जाता है। बिल्कुल ठीक है। नहीं तो महमूद कसूरी का आपने बयान सुना, डेफिनेटली आपने इनका बयान सुनकर आपको इनके मेंटल स्थिति का अंदाज़ा हो गया होगा। ये मणिशंकर अय्यर के लंगोटिया यार हैं, मतलब कॉलेज में इन्होंने उनके साथ पढ़ाई की और मणिशंकर अय्यर की इनकी वजह से काफ़ी बैंड बजी है। आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर का एक पुराना बयान है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया में बोला था कि पाकिस्तान को मदद करनी पड़ेगी कांग्रेस की, जिसकी वजह से मोदी हारेगा। ये बयान पुराना है, आपको मिल जाएगा पाकिस्तानी मीडिया में। ये इनके बगल में ये अय्यर साहब के बगल में यही बैठे थे कसूरी साहब, तो ये दोनों कॉलेज के क्लासमेट रहे हैं। उसके बाद अय्यर साहब के फ़ैन हैं और कांग्रेस के फ़ैन हैं, पाकिस्तान से इंडिया में राजदूत भी रहे हैं, तो इस तरीके की बात इनसे आप समझ सकते हैं करेंगे। और ये वही कसूरी हैं जो पाकिस्तान को कभी, मतलब ये आतंकवाद को लेकर या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कभी बात नहीं करेंगे। इनके दिमाग में केवल एक ही भूत सवार है, आरएसएस, बीजेपी, कश्मीर, मोदी, ये सब बातें इनके दिमाग में बस आती रहती हैं। आधी उम्र इनकी गुजर चुकी है लेकिन फिर भी कश्मीर 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 ये करते रहेंगे। तो दोस्तों, कसूरी साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आपको बता दूं, ये पिछले लंबे समय से, मतलब इनकी आप डिबेट उठा के देखें तो पिछले 5-6 साल से, जब से मोदी गवर्नमेंट है, इतना ज़्यादा एंटी इंडिया बयान देते आ रहे हैं, एंटी इंडिया ये वो, एंटी इंडिया बोलना सही नहीं रहेगा, एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, ये बयान बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। एंटी इंडिया तो ये नहीं देंगे क्योंकि इनके अच्छे खासे दोस्त यहाँ पर काफ़ी सारे हैं और अय्यर साहब पाकिस्तान का दौरा करते रहते हैं, इनके सलमान खुर्शीद भी अच्छे दोस्त हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी सोच क्या है। और कसूरी साहब ये मोदी को लेकर अरब मुल्क ये वो जमाने भर की बातें आपने सुनी कि इसराइल कंसीडर कर रहा है, अरब का मोदी दोस्त है, ये वो, मतलब वही पुरानी बात है, कश्मीर 100 मोदी आ जाए तो 100 साल भी मोदी रहेगा तो कश्मीर भारत का नहीं होगा, इस तरीके की बातें ये करते करते रहेंगे, बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। हालांकि इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन इन्होंने कभी भी अभी 26/11 को लेकर या जो टेररिस्ट हमले होते हैं उसको लेकर ये एक शब्द नहीं बोलते हैं, यही कसूरी है। तो आप समझ सकते हैं इनकी मेंटल स्थिति क्या है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करना ना भूलें। दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, चैनल को